पर एक संदेश सुना. डू यू रिमेम्बर दैट? क्या आपको स्मरण है उसका? यस नो फॉरगॉट ब्रदर. डू यू रिमेम्बर वी हर्ड अ मैसेज ऑन सोल? क्या आपको स्मरण है कि हमें एक संदेश मिला था प्राणों के ऊपर? या ब्रदर, व्हेन द वीक इज ओवर वी फॉरगॉट. All right, let's remind ourselves. अपने आप को हम स्मरण कराएं. We heard that the soul in itself is not a wrong thing. और हमने सुना कि प्राण अपने आप में गलत चीज नहीं है. When God created man with a soul. और जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की तो उसको इन प्राणों के साथ रचना की. The soul itself is not a wrong thing. और प्राण जो है वो अपने आप में गलत चीज नहीं. It's not wrong to have the soul. और प्राणों को रखना गलती नहीं है. But what is necessary is. परंतु आवश्यक क्या चीज है? This soul has to be one finally. और वो प्राण जो है वो एक होना चाहिए अंत में. One. W-O-N. यानी कि उसको जीतना है. Yes. So if the spirit is working against the soul, और यदि आत्मा जो है वो प्राणों के विरुद्ध कार्य करता है, it doesn't mean it is to finally destroy the soul. और उसका अर्थ ये नहीं है कि प्राणों को बर्बाद कर देने की बात है. This is something we must get to really understand. और ये कुछ ऐसी चीज है जिसको हमने फिर से समझना है. The spirit warring against the soul. और आत्मा जो है वो प्राणों के विरुद्ध लड़ रहा है. It is not to destroy that soul. और इसलिए नहीं कि उस प्राणों का नाश कर दे. But to win that soul. परंतु उसको जीत ले. And what is that? We will see later on. और वो क्या चीज है उसको हम बाद में देखेंगे. But let's just understand that for today. परंतु इतना आज के लिए हम समझ ले. That soul has to be won. और कि प्राण जो है उनको जीतना है. So we read in Luke chapter 21. और लूका की पुस्तक और 21 अध्याय में हम पढ़ते हैं. Luke chapter 21. लूका 21 एंड वर्स 19 वी रीड लाइक दिस. और 19वें पद में हम इस प्रकार इन योर पेशेंस पॉसेस ही योर सोल्स. इन योर पेशेंस पॉसेस ही योर सोल्स. अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे. यस. या बाय योर स्टेडफास्टनेस एंड पेशेंट एंड्यूरेंस यू शैल विन द ट्रू लाइफ ऑफ योर सोल्स. दैट्स वेरी गुड रेंडरिंग. Verse 19 of Amplified, by your steadfastness and patient endurance, you shall win the true life of your soul. So, the spirit warring against the soul is not to destroy the soul, but it is to win that soul and bring it to its original true life. आत्मा जो संघर्ष करता है, लड़ता है yes. प्राणों के साथ, उसके विनाश के लिए नहीं परंतु उसको जीत कर उसको सही स्थान में लाने के लिए है. May we realize this, saints of God. और हम इसको जान ले परमेश्वर. It is not to destroy the soul. और ये प्राणों का विनाश करने के लिए नहीं. But even to win the soul. परंतु प्राणों को जीतने के लिए. And bring it to its true life. और इसके सच्चे जीवन में उसको लाने के लिए है. That is why the spirit is working and warring. That is why the conflict is there. और इसी कारण से हमारे भीतर ये आत्मा और प्राणों का संघर्ष. Now let me turn into another scripture. एक और वचन को हम देखें. In the book of Hebrews. इब्रानियों की पुस्तक. And chapter 10. उसका दसवां अध्याय. There is a similar scripture here. और इसी प्रकार का वचन यहां भी है. Chapter 10 and verse 39. 39वां वचन.
But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. परंतु हम हटने वाले नहीं कि हमारा नाश हो, बल्कि विश्वास रखने वाले हैं कि प्राण बचाए जाएं. Yes. So this soul is to be saved. और ये प्राण जो है इसको बचाना है. It is not to be destroyed. इसका विनाश नहीं होना. The spirit warring against the soul. आत्मा प्राणों के विरुद्ध संघर्ष करता है. It is not to destroy it. और इसलिए नहीं कि उसका विनाश करे. The end purpose is to save that soul. और उसका अंतिम उद्देश्य यह है कि उस प्राण को बचाया जाए. So may God help us to understand this. और इसलिए परमेश्वर सहायता करे कि हम इसको समझे. And maybe we will see it more clearly as we progress on further. और हो सकता है कि आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तो इसे स्पष्टता से देखते जाएंगे. So from this what we need to recognize is. और इससे हमने एक बात को पहचानना है. You know, one thing is brought to our understanding. और एक चीज हमारी समझ में लाई जाती है. You know, that is when man fell. और वो यह है कि जब मनुष्य गिरा. The nature of man's fall. और उस मनुष्य के स्वभाव का गिरना. Is something that we must consider for a few moments. और ये कुछ ऐसी वस्तु है जिसमें हमें कुछ क्षणों तक ध्यान देना है. So the nature of man's fall. और मनुष्य के स्वभाव का गिरना. When God created man. और जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की. He created him with the spirit, soul and body. और उसने उसकी रचना की शरीर से, आत्मा से और प्राणों से. But when man fell, परंतु जब मनुष्य गिरा, there was a violation of the spirit by the soul. और प्राणों के द्वारा आत्मा का एक उल्लंघन किया गया. That's what happened at the fall. और यही गिरने से हुआ. There was a violation of the soul. प्राणों का एक उल्लंघन था. Oh, sorry, the violation of the spirit by the soul. और आत्मा का उल्लंघन प्राणों ने किया. Yes. The soul is to remain its place. प्राणों ने अपने स्थान में रहना है. That very place that God had given it. और वो स्थान जो कि परमेश्वर ने प्राणों को दिया है. But the soul violated its place. परंतु प्राणों ने अपना स्थान का उल्लंघन किया. And dominated over the spirit. और आत्मा के ऊपर प्रभावित हुआ. So what we see when we consider the fall of man. और जब हम मनुष्य के गिरने को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? Man's reason. और मनुष्य के जो कारण थे. Man's desire. और उसकी जो इच्छाएं थी. Man's will. और उसकी जो इच्छा थी. They were taken out of their place. उनको उनके स्थान से हटा दिया गया. And they were made to exercise and function independent of God. और उनको अपना कार्य परमेश्वर से रहित होकर, स्वतंत्र होकर कराया गया. Let me say that again. और मैं इसको दोबारा कहूंगा. Man's reason, desire and will. और मनुष्य की सोच विचार और उसकी इच्छा और in other words, man's intellect, emotion and will. और दूसरे शब्दों में उसकी जो विचार धारणाएं थी. They were taken out of their place. और उनको अपने स्थान से हटा दिया. And they were made to exercise independent of God. और उनसे कार्य करवाया गया कि वो परमेश्वर से स्वतंत्र होकर अपना कार्य करें. Yes. A violation of the spirit. और आत्मा का उल्लंघन करें. By the soul. प्राणों के द्वारा. It ended up man in this place. और इसी स्थान में मनुष्य का अंत हो गया. Man's intellect, emotion and will were taken out of their place. एक मनुष्य का जो सोच विचार थे, उसकी इच्छा थी और भावना थी, उसको अपनी They were made to exercise and function independent of God. और उनको काम करवाया गया जो परमेश्वर से स्वतंत्र होकर वो करें. As we have heard even some time back. और जैसे कुछ समय पहले भी. And as we know very much. और हम जानते भी हैं इसको. Man has a spirit in him. के मनुष्य के भीतर एक आत्मा है. And by his spirit. और अपने आत्मा के द्वारा. He was put
into communion with God. और उसने परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना था. A God who is spirit. और एक परमेश्वर जो आत्मा है. So it was through the spirit man had communion with God. और ये आत्मा के ही द्वारा था कि मनुष्य का वार्तालाप परमेश्वर से होता था. Man knew God. और मनुष्य ने परमेश्वर को जाना. Not through his soul. अपने प्राणों के द्वारा नहीं. In that unfallen state. Listen carefully. और उस बिना गिरे हुए वातावरण के अंदर in that unfallen state of man और मनुष्य की जो गिरने से पहले की जो परिस्थिति थी he did not reason and come to conclusion that there is a God और उसने इस सोच विचार को नहीं किया और इस अंत पर आया कि परमेश्वर है it was not through his reason he came to God और वह अपनी विचार धारणाओं से परमेश्वर के in पास the नहीं unfallen state और अपने उस ना गिरे हुए परिस्थिति before sin came into man और इससे पहले के पाप मनुष्य में आता he did not use his intellect to reason and know God और उसने अपनी समझ को और सोच विचारों को का प्रयोग नहीं किया कि परमेश्वर को जाने it was not a conclusion after reasoning And he said, "Okay, there is a God." और ये ऐसा नहीं था कि अपने सोच विचार करने के पश्चात वो इस मतलब पे आया कि परमेश्वर है. But he knew God. परंतु उसने परमेश्वर को जाना. In and through the will, in and through the spirit that God had given him. उस आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर ने उसे दिया था. And he knew the will of God. और उसने परमेश्वर की इच्छा को जाना. He knew the desire of God. और परमेश्वर की इच्छा क्या है उसका लक्ष्य क्या है उसको जाना. Spirit. उस आत्मा के ही द्वारा. You know, and this must be very clear to us, saints of God. और ये हमारे लिए बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए. He had not to sit down with God. और उसको परमेश्वर के साथ बैठने की आवश्यकता. And reason with God. और परमेश्वर से सोच विचार करने की. To know something from God. कि परमेश्वर से कुछ वो जान सके. In that Unfallen state. और उस गिरने से पहले की परिस्थिति में the spirit could commune with God. और वो आत्मा उसका परमेश्वर से बात कर सकता था. What a tremendous privilege man had. और कैसा ये सुंदर अवसर मनुष्य के पास था. God could come और and move and talk with Adam. और जैसे कि परमेश्वर आ सकता था और चल फिर सकता था और बात कर सकता था सो इन हिज इन द अनफॉलन स्टेट ऑफ मैन और मनुष्य की वो गिरने से पहले की परिस्थिति में he perceived उसने जाना नॉट reasoned और कोई सोच विचार नहीं किया ये दो अलग अलग चीजें it is not that Adam said I think it is God और आदम ने ये नहीं कहा कि मैं समझता हूँ कि परमेश्वर we है do that today. आज हम वैसा करते But हैं not Adam लेकिन आदम ने नहीं किया गिरने से पहले He perceived वो जाना इस बात through the spirit आत्मा के द्वारा He sensed it in his spirit. और उसने अपनी आत्मा में इसको महसूस किया. He intuitively knew it in his spirit. और उसने आत्मा के अंदर इस बात को जान लिया. It is such a different and a precious state, saints of God. और ये एक बिल्कुल विभिन्न और बहुमूल्य परिस्थिति है परमेश्वर. So that was the state of man before the fall. और ये मनुष्य की वो परिस्थिति थी उस गिरने से पहले. But we know. परंतु हम जानते मैन disregarded that. और मनुष्य ने उसका अनादर किया the organ of communion that God had given to him. और वो जरिया जो कि उसे दिया गया था कि परमेश्वर से वो वार्तालाप करे And when he disregarded this, और जब उसने इसका अनादर किया and acted on the ground of his soul, और अपने प्राणों के आधार पर उसने कार्य किया violating the spirit, और आत्मा का उल्लंघन करते हुए Wherein he knew the mind of God. और जब के परमेश्वर की मनसा को वो जानता Wherein he knew the will of God. और जहां परमेश्वर की इच्छा को वो जानता था He violated that. उसने उसका उल्लंघन किया By acting on the ground of his soul. और अपने प्राणों के आधार पर कार्य करते हुए And from then on. और उसके बाद से This conflict arose. और ये संघर्ष जो है उठ खड़ा हुआ So when we look at man, और जब हम मनुष्य को देखते हैं man is in conflict with himself. मनुष्य अपने आप में संघर्ष कर रहा There है There is a conflict going on inside of them. और उसके भीतर ही ये संघर्ष उठ रहा है He is a house divided against himself. और वो एक ऐसा भवन है जो कि अपने आप में ही बट चुका है As we read in Matthew 12, the Lord said very clearly. और जैसे मत्ती की पुस्तक 12वें अध्याय में प्रभु ने स्पष्ट कहा And verse 25. 12.
This is what the Lord says. और प्रभु ने यही कहा. And Jesus knew their thoughts and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation. और हर एक राज्य जो कि आपस जो बट चुका होता है वो एक विनाश की ओर आता है. And every city or house divided against itself shall not stand. और हर एक नगर जो बटा हुआ है वो खड़ा नहीं रह पाएगा. So he is, man is a divided house in himself. और मनुष्य जो है वो अपने आप में एक बटा हुआ घर के रूप में है. Which cannot stand. जो खड़ा नहीं हो सकता. And so we have these two sides within us. और इसलिए हमारे पास ये दो तरफ हैं. We have the soul. और हमारे पास वो प्राण है. We have the spirit there. और आत्मा भी वहाँ उपस्थित है. And there is a conflict. और इसके बीच में संघर्ष है. And so after the fall. और इसलिए वो गिरने के पश्चात. We see man became essentially a soul man. तो हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो प्राणों का मनुष्य. As you know, the spirit in him died or separated. और जैसे हम जानते हैं कि वो आत्मा जो उसके भीतर था वो मर गया या उसे अलग कर दिया गया. You know, we read about the natural man in the writing of Paul in 1 Corinthians. और पहले करंथियों की पुस्तक में जो पौलुस के लेख हैं उसमें हम प्राकृतिक मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं. The natural man, if you really look at the original word, और यदि हम इसके वो पहले का जो शब्द है उसको देखें, it is a soul man or soulical man, और वो प्राणों का मनुष्य है, which means governed by or actuated by soul, और जिसका अर्थ यह है कि प्राणों के द्वारा उसका नियंत्रण किया जाता yes. है. So though it is written natural man, what the original would really mean is a soulical man or a soul man governed and actuated by the soul. और जबकि उसको प्राकृतिक मनुष्य वहां लिखा गया है परंतु वास्तविक जो पहले शब्द था उसके लिए उसका अर्थ ये था कि वो प्राणों के द्वारा उसका नियंत्रण हो रहा है. You know, governed by the self reasoning. और अपने सोच विचारों के द्वारा ही उस पर governed by his own self discerning. और जो उसकी खुद की परख है उसके द्वारा उसका governed by his own self willing. और अपनी खुद की इच्छा जो है उसके द्वारा उस पर नियंत्रण किया जा रहा है. Actuated by his soul life. और उसके प्राणों का जीवन जो है वो उसी के द्वारा चल रहा है. That is the type of man that he is. और इस प्रकार का वो मनुष्य है. And as we read Paul's letter. और जैसे पौलुस के पत्रियों को पढ़ते हैं. In 1 Corinthians chapter 2. पहला करंथियों और दूसरा अध्याय में. We read about the spiritual man. और वहां पर आत्मिक मनुष्य के विषय में हम पढ़ते हैं. Let's just turn to the book of 1 Corinthians for a moment, just to refer, and we will move on. First Corinthians, second chapter, verse 14, chapter 2, verse 14. और उसका just read it. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. परंतु प्राकृतिक मनुष्य जो है वो परमेश्वर की वस्तुओं को नहीं स्वीकार करता. For they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. क्योंकि वो उसके निकट मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है आत्मिक रूप से. Yes. Then we read the Amplified, but the natural, non-spiritual man does not accept or welcome or admit into his heart the gifts and the teachings and the revelations of the Spirit of God, for they are folly, meaningless nonsense to him. And he is incapable of knowing them, of progressively recognizing, understanding, and becoming better acquainted with them, because they are spiritually discerned and estimated and appreciated. So Paul talks about the natural man who is actuated by the soul nature.
और पौलुस यहाँ पर प्राकृतिक मनुष्य की बात करता है जिसको के प्राणों के स्वभाव के द्वारा चलाया जा रहा है. एंड हियर वी फाइंड द सोल मैन अगेंस्ट द स्पिरिचुअल मैन अगेन. और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राणों का मनुष्य जो है वो आत्मिक मनुष्य के विरुद्ध है. यू नो एंड हिज सेल्फ रीजनिंग और उसके खुद की जो सोच विचार हैं, इट डजंट एक्सेप्ट द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड. और वो परमेश्वर की आत्मा की वस्तुओं को नहीं स्वीकार करता. हाउ ट्रू दैट इज टुडे. और आज ये बात कितनी सच्ची है. हाउ मच द सोल मैन इन अस रिफ्यूजेस टू रिसीव द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड. और कितना अधिक ये प्राणों का मनुष्य जो हमारे भीतर है वो परमेश्वर की आत्मिक वस्तुओं का इनकार करता है. एंड हाउ मच द सोल मैन रिफ्यूजेस द वेज ऑफ गॉड. Because it's not convincing to the soul man. और ये प्राणों का मनुष्य जो है वो परमेश्वर के मार्गों को स्वीकार नहीं करता है क्योंकि ये उसे रास नहीं आते. So as we read here, और जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं, there is a battle within us. हमारे भीतर एक युद्ध है. Therefore these conflicts arise within us. और इसी कारण से ये संघर्ष हमारे भीतर we have these two men within us. और हमारे भीतर ये दो हस्तियां हैं. The spiritual man और वो आत्मिक मनुष्य. And the natural or the soulical man और या प्राकृतिक या वो प्राणों का मनुष्य. You know and he as we read here in verse 14 और 14वें वचन में हम पढ़ते हैं. And the soulical man does not receive the things of the spirit of God. कि वो प्राणों का मनुष्य जो है वो परमेश्वर की वस्तुओं को स्वीकार नहीं करता. It's foolishness to him. क्योंकि उसके लिए ये सब मूर्खता. He reasons out things. और वो चीजों को सोच विचार करता है. He would see things from his view, his ways and his understandings. और वो वस्तुओं को अपने दृष्टिकोण से देखता है और वैसे ही उसको समझता है. He can never know them. That's what Paul says. और पौलुस कहता है कि वो उन वस्तुओं को कभी जान नहीं पाएगा. They are spiritually discerned. क्योंकि उनकी परख आत्मिक तौर से होती है. So this is a reality, saints. और यही वास्तविकता है परमेश्वर के. That this conflict, this battle is within us. कि ये संघर्ष और ये युद्ध हमारे भीतर है. These two men are within us. और ये दोनों व्यक्ति हमारे भीतर है. The soulical man और प्राणों का मनुष्य. And ruled by the soul realm. और जिसके ऊपर नियंत्रण उस प्राणों के वातावरण के द्वारा हो रहा है. The self reasoning और खुद की सोच विचार. The self discerning और खुद की परख. The self willing और खुद ही इच्छुक होना. Yes, that man वो मनुष्य against the spiritual man. वो उस आत्मिक मनुष्य के विरुद्ध है. Desires after the things of God. और परमेश्वर की वस्तुओं के चीजों का उसके अंदर इच्छा नहीं. So what is of God? और जो कुछ परमेश्वर का है. God's thought. परमेश्वर के विचार. Against our thoughts. हमारे विचारों के विरुद्ध. This is the battle. It's a reality. और यही युद्ध है और ये वास्तविकता. God's reasoning. और परमेश्वर की सोच विचार. God's reason. और परमेश्वर के जो कारण है. Against our reasoning. हमारे सोच विचारों के विरुद्ध है. God's will. परमेश्वर की. Jesus, God's Son, took my place.